చేయడమని అందరు క్వశ్చన్ ఇస్ సమ్ ఆఫ్ ఆడ్ టర్మ్స్ ఇస్ ఏ అండ్ సమ్ ఆఫ్ ఈవెన్ టర్మ్స్ ఇస్ బి ఇన్ ద ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ వాట్ ఎక్స్ ప్లస్ ఏ బ్రాకెట్ రేస్ టు ఎన్ Sum of odd terms is given as A. Sum of even terms is given as B. In the expansion of x plus A bracket raised to n. Now what is the expansion of x plus A bracket raised to n? It is n c 0, x raised to n, A raised to 0, plus n c 1, x raised to n minus 1, A raised to 1, plus n c 2, x raised to n minus 2, a raised to 2, plus and so on, up to n c n, x raised to 0, a raised to n. Okay? So, that is the formula for binomial expansion of x plus a bracket raised to n. Is it clear to all? Clear hai sarvanna formula maithi hai ka kai tari navin sangtoy mi? क्लियर आहे का सर्वांना काही चुकतंय काही बरोबर आहे की माहिती आहे सर ओके नॉट ओके व्हॉट एव्हर रिस्पॉन्स ओके ठीक आहे तर मग पुढे जाऊया आता एक गोष्ट आहे त्यात लक्षात ठेवा जेडब्ल्यूचे क्वेश्चन्स किंवा म्हणजे पर्टिक्युलर कुठल्याही क्वेश्चन साठी पण जेडब्ल्यू साठी फार थोडस कॉन्सन्ट्रेट करून क्वेश्चन व्यवस्थित रीड करावा लागतो इंटरप्रिटेशन ऑफ क्वेश्चन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट ठीक म्हणजे या मताने काय सांगितलेलं आहे सम ऑफ ऑड टर्म्स सम ऑफ ऑड टर्म्स नॉट सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑड डिग्री टर्म्स ऑड डिग्री टर्म्स वेगळ्या आणि ऑड टर्म्स वेगळ्या लक्षात घ्या दोन वेगळे शब्द वापरतोय काल आपण एक्झाम्पल पण सॉल्व केलेलं ऑड डिग्री टर्म्स किंवा इव्हन डिग्री टर्म्स त्यांची आपण सम फाइंड आउट केलेली होती ठीक आहे तर या ठिकाणी सम ऑफ ऑड टर्म्स म्हटलेला आहे ऑड टर्म्स म्हणजे ही फर्स्ट त्याच्यानंतर थर्ड नंतर फिफ्थ आणि तुम्ही बघू शकता की फर्स्ट मध्ये किंवा थर्ड मध्ये याची जी काय पॉवर आहे ती ऑड असेल किंवा इव्हन असेल यू कॅन से ठीक सो ना सम ऑफ ऑड टर्म्स आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेला आहे सो अकॉर्डिंग टू कंडिशन ए इज व्हाट ए इज नथिंग बट सम ऑफ ऑड टर्म्स सो इट इज एन सी झिरो एक्स रेस टू एन ए रेस टू झिरो प्लस ही ऑड आहे त्याच्यानंतर ही ऑड असणार ठीक आहे सो इट इज एन सी टू एक्स रेस टू एन मायनस टू ए रेस टू टू प्लस अँड सो ऑन Now we don't know whether the last term is odd or even. Why? Because it depends upon value of n, which is not known. See? Okay. And B is what? It is sum of even terms. So even term yaad ekane asna. Second term. N C 1 x raised to n minus 1 a raised to 1. See? So such plus n C 3, x raised to n minus 3, a raised to 3, plus and so on. So this is what? Sum of odd terms, this is sum of even terms. Now therefore, what we get? X plus a raised to n is nothing but a plus b. Because sum of odd terms and even terms. Because sum of all terms. ठीक है काल सुद्धा कालचा एक्झाम्पल आठवतोय तर 2 होता नंतर 0 होता ऑड टर्म साठी सम टू इव्हन टर्म साठी झिरो ऑल टर्म साठी टू प्लस झिरो या सर्वांची जी काय सम असणार ती असणार एक्स प्लस ए ब्रॅकेट प्लस टू एन आणि त्याच्यावरूनच अँड यू कॅन राईट इट डाऊन ऍज एक्स मायनस ए ब्रॅकेट प्लस टू एन इज नथिंग बट ए मायनस बी वाय ही जी बघा ज्यावेळेस आपण एक्स मायनस ए ब्रॅकेट प्लस टू एन लिहिणार त्यावेळेस काय होणार फर्स्ट पॉझिटिव्ह सेकंड निगेटिव्ह थर्ड पॉझिटिव्ह फोर्थ निगेटिव्ह अल्टरनेट टर्म्स येतात मग त्याच्यामुळे ए प्लस बी वरून ए मायनस बी आपण डायरेक्टली लिहू शकतो नाउ लुकिंग ऍट द ऑप्शन्स
फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दिस, त्याचा आपण काहीच करू शकत नाही. ए बी सी प्रत्येक ऑप्शन मध्ये तुम्ही जर पाहिलं तर काय केलेलं आहे, राईट हँड साईडला एक्स प्लस ए रेस टू एन आणि एक्स प्लस ए रेस टू एक्स मायनस ए रेस टू एन च्या ऐवजी आहे एक्स प्लस ए ब्रॅकेट रेस टू टू एन आणि एक्स मायनस ए ब्रॅकेट रेस टू टू एन. जस्ट लुक ऍट द ऑप्शन्स, प्रतिरेकन काय आहे, ब्रॅकेट रेस टू टू एन आहे. मग आपण या ठिकाणी ब्रॅकेट रेस टू टू एन काढू शकतो, एक्स प्लस ए ब्रॅकेट रेस टू टू एन म्हणजे काय, स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स. सो इट विल बिकम व्हाट, ए प्लस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज नथिंग बट ए स्क्वेअर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर. अँड सिमिलरली एक्स मायनस ए ब्रॅकेट रेस टू टू एन, सो अगेन स्क्वेअरिंग ऑन बोथ द साइड्स यू विल गेट व्हाट, ए मायनस बी ब्रॅकेट स्क्वेअर विच इज नथिंग बट ए स्क्वेअर मायनस टू ए बी प्लस बी स्क्वेअर. क्लिअर? नाउ लुकिंग ऍट ऑल द थ्री ऑप्शन्स ए बी सी, लेफ्ट हँड ऑन लेफ्ट हँड साइड वी आर हॅव्हिंग ओनली टर्म इन ए बी, वी आर हॅव्हिंग ओनली टर्म इन ए बी म्हणजे फक्त ही टर्म आहे, ए स्क्वेअर किंवा बी स्क्वेअर नाहीये. मग ते जर नाहीये तर यांना जर आपण सबट्रॅक्ट केलं तर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर कट होणार, बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर कट होणार. ठीक आहे, म्हणून मला काय करावं लागेल, दोघांची सबट्रॅक्शन. मग दोघांची मी लेफ्ट हँड साइडला सबट्रॅक्शन करतो, सबट्रॅक्शन का केली लक्षात घ्या, कारण मला ए स्क्वेअर आणि बी स्क्वेअर एलिमिनेट करायचे आहे. ठीक, आणि जर मी सबट्रॅक्शन केली तर ए स्क्वेअर मायनस ए स्क्वेअर कट झाला, बी स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर कट झाला, टू ए बी मायनस मायनस म्हणजे प्लस टू ए बी, सो इट इज हाउ मच, इट इज फोर ए बी. क्लिअर? सो इन दिस वे वी कॅन सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ठीक, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. इन द एक्सपेन्शन ऑफ एक्स प्लस ए ब्रॅकेट रेस टू एन, इट इज द सेम थिंग, द सम ऑफ ऑड टर्म्स इज पी अँड सम ऑफ इवन टर्म्स इज क्यू, देन द व्हॅल्यू ऑफ पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर विल बी, देन द व्हॅल्यू ऑफ पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर विल बी. बघा, सम ऑफ ऑड टर्म्स आणि सम ऑफ इवन टर्म्स हे आहे, ए आणि बी च्या ऐवजी आता काय आहे, पी आणि क्यू आहे. सो याच क्वेश्चन वरून, याच क्वेश्चन वरून मी जर सेकंड क्वेश्चन लिहायचा म्हटला तर ए आणि बी च्या ठिकाणी कोण येणार, मी असंच लिहितो डायरेक्ट, रिप्लेस ए अँड बी बाय पी अँड क्यू इन अबो क्वेश्चन, कारण ते सम ऑफ ऑड टर्म्स सम ऑफ इव्हन टर्म्स, म्हणजेच ए प्लस बी जो आहे तो काय असणार, पी प्लस क्यू विच इज नथिंग बट एक्स प्लस ए ब्रॅकेट रेस टू एन, अँड पी मायनस क्यू काय असणार, हा इथला एक्स मायनस ए ब्रॅकेट रेस टू एन. आपल्याला काय पाहिजे, पी स्क्वेअर मायनस क्यू स्क्वेअर म्हणजेच काय, पी प्लस क्यू इंटू पी मायनस क्यू विच इज नथिंग बट एक्स प्लस ए रेस टू एन इंटू एक्स मायनस ए रेस टू एन. दिस इज नथिंग बट युजिंग लॉज ऑफ इंडायसेस, दोघांच्या पॉवर एन आहेत म्हणजे त्यांना आपण एकाच ब्रॅकेट मध्ये लिहू शकतो. आणि आता ब्रॅकेट मध्ये काय आहे, ए प्लस बी ए मायनस बी म्हणजे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर ब्रॅकेट रेस टू एन. ऑप्शन इज ऑप्शन बी. ठीक आहे, सो दिस इज युअर ऑप्शन बी. सो इन दिस वे वेन वी सॉल्व वन प्रॉब्लेम, बघा फर्स्ट प्रॉब्लेम एक्सप्लेन करताना मला तुम्हाला सगळं इतकं सांगावं लागेल, कारण मला ते एक्सप्लेन करावं लागेल. ठीक आहे ना, मला एक्सप्लेन करावं लागेल की नेमकं का कशा पद्धतीने येतात ए प्लस बी ए मायनस बी. पण ज्यावेळेस या पद्धतीचा एक क्वेश्चन आपण केला, सेकंड क्वेश्चन करताना आपल्याला माहिती आहे की हा दिस रिलेशन होल्ड्स अँड देन यू कॅन सॉल्व द क्वेश्चन इझिली. ठीक, नेक्स्ट. अच्छा ठीक आहे, मला बरं एक
क्वेश्चन नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 इज व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 2^2000 डिवाइडेड बाय 27 वी हैव टू फाइंड आउट रिमाइंडर ठीक Now, this type of question can be put in another way also. 2^1000 divided by 17. 2^500, 2^4000. Asla kutlai method ne, kya kahi changes to run at any numbers madhe. Aap question vicharla jau shakto. Theek? Now, we are studying what? We are studying binomial expansion, the binomial theorem. 2^2000, how the number ahe, it can be written as, see this 17, is splitted as 2 cha powers madhe jar mala 17 la lihaycha asel in terms of powers of 2 so it is how much 16 plus 1 16 is nothing but 2^4 plus 1 theek hai 2^4 plus 1 so when we divide this number this type of number 2^2000 we will write it as 2^4 2^4 ka ghetla karan to 6 त्याला मी 17 मध्ये कन्वर्ट करू शकतो ब्रॅकेट रेस टू 500 युजिंग लॉज ऑफ इंडायसेस ठीक आहे दिस इज युजिंग लॉज ऑफ इंडायसेस नाउ 2^4 इज नथिंग बट 16 रेस टू 500 व्हाट इज 16 16 कॅन बी रिटन एज 17 मायनस 1 रेस टू 500 ठीक तो अभी हमने क्या किया इस 2 को कन्वर्ट कर दिया मतलब जो भी गिवन एक्सप्रेशन था वो कन्वर्टेड इन टर्म्स ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन विच कंटेन्स वन टर्म एज 17 ठीक फिर हम इसका बायनोमियल एक्सपेंशन करेंगे यूजिंग एक्स प्लस ए ब्रैकेट रेस टू एन एन सी जीरो एक्स रेस टू एन ए रेस टू जीरो इस तरीके से करते जाएंगे तो क्या होगा एन की वैल्यू क्या है यहाँ पर एन इज हाउ मच दिस इज एन दिस इज ए प्लस बी का अगर आप करते हैं तो ए प्लस बी के हिसाब से लिखेंगे अगर हम ये कर रहे हैं एक्स प्लस ए तो हम एक्स प्लस ए के हिसाब से लिखते हैं दिस इज एक्स दिस इज ए दिस इज एन एन सी जीरो सो इट इज 500 सी जीरो इंटू एक्स रेस टू एन मतलब 17 रेस टू 500 इंटू वन रेस टू लिखने की जरूरत है क्या नहीं है जब हम 1 प्लस एक्स या 1 माइनस एक्स का फार्मूला लिखते हैं तो उस केस में हम यहां पर 1 की पावर लिखने की जरूरत आपको नहीं है फिर बीच में साइन माइनस है ठीक है साइन इज माइनस यहां पर हम हो जाएगा माइनस फर्स्ट टर्म पॉजिटिव सेकंड टर्म निगेटिव जब हमकी सेकंड टर्म 500 सी जीरो से हो जाएगा 500 सी वन मल्टीप्लाइड बाय 17 रेस टू 500 का 17^499 ठीक है और इस तरीके से हम कंटिन्यू करते जाएंगे प्लस टर्म आएगी डॉट 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 नाउ सिंस लास्ट टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी हालांकि इस क्वेश्चन में इट डजंट मैटर अ लॉट बट इसी क्वेश्चन में ये मैटर कर सकता है तो इसलिए हम देखेंगे कि लास्ट टर्म का साइन क्या होना चाहिए कौन बताएगा लास्ट टर्म पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी और क्यों होगी मैंने डॉट 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 कर दिया आगे हमें बढ़ना है नाउ आई एम राइटिंग लास्ट टर्म इन द सेम वे सो वेदर इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव रीजन भी चाहिए उसका व्हाई सो आचल हैज गिवन द करेक्ट आंसर नेक्स्ट आंसर इज फ्रॉम कल्याणी यस करेक्ट पॉजिटिव टर्म होनी चाहिए क्यों होनी चाहिए सी यहां से आपको पता चलेगा एन इज इवन सो इट इज 500 मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 501 तो लास्ट टर्म कौन सी हो गई 501 मतलब कि ऑड टर्म और यहां पर देखिए जो भी ऑड टर्म है इट इज पॉजिटिव फर्स्ट पॉजिटिव है थर्ड पॉजिटिव है इन दिस वे सो लास्ट टर्म विल बी व्हाट इट विल बी पॉजिटिव एन सी एन लास्ट टर्म में क्या होता है एन सी एन ये 500 सी जीरो सी वन होते होते ये हो जाएगा 500 सी 500 इंटू
17 रेस टू 499 का कम होते होते हो जाएगा 17 रेस टू 0, ठीक है, 17 रेस टू 0 इंटू 1 की पावर तो हमने लिखी है. सो दिस इज द लास्ट स्टेप, क्लियर. नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट, कीपिंग दिस एज इट इज, I am writing this last term, 500 C500, it is nothing but 1. 17 raised to 0 is nothing but 1. Clear? Now in all these terms, up to this point, इसके पहले की अगर एक term लिखना चाहूँ मैं, तो क्या हो जाएगी, मान लीजिए इसके पहले मैं एक term लिखता हूँ, so it will be minus 500 C499, 17 raised to 1. ठीक है? तो ये टर्म हो जाएगी, सेकंड लास्ट टर्म भी मैंने लिख लिया. अब ये जो भी आपने सम किया इसमें आप देख सकते हैं, बट यू कैन ऑब्जर्व दैट ईच टर्म कंटेन्स पावर ऑफ 17, ईच टर्म कंटेन्स पावर ऑफ 17, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ऐसे आगे जाके यहां पर भी. सो फ्रॉम दिस टर्म टू सेकंड लास्ट टर्म, जहां पर 17 रेस टू 1 है, ये 17 रेस टू 1 आप कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और फिर बीच में ब्रैकेट में जो भी बचेगा सो बचेगा, बट 17 रेस टू 1 आप कॉमन ले सकते हैं, ठीक. और या फिर हम ये कह दीजिए, अगर हर टर्म को हम डिवाइड बाय 17 करेंगे, तो यहां पर भी 17 की पावर है, तो ये डिवाइड हो जाएगा 17 से, ये भी डिवाइड होगा, ये भी डिवाइड होगा, हर एक टर्म डिवाइड होगी एक्सेप्ट this last term, and this is your reminder, ठीक है. तो reminder कितना हो गया हमारा, 1 into 1, मतलब कि 1 is your reminder, and all these terms are divisible by 17, ठीक. So is it clear? Okay, so let's move to next question, that is question number 61. And the question is, if the coefficient of x raised to 5 and x raised to minus 7 are equal, then AB equal to what? So you have to find out A into B. So you have to find out coefficient of x raised to 5 in the expansion of ax square plus 1 upon bx bracket raised to 13. ठीक, पहले तो हम इसे निकाल लेते हैं, coefficient of x raised to 5 in ax square plus 1 upon bx raised to 13. तो हमें क्या यूज करना होगा, वी हैव टू यूज जनरल टर्म फार्मूला. देखिए शॉर्टकट में भी आपके दिया हुआ है, फर्स्ट शॉर्टकट टू फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ एनी टर्म, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x raised to m, कोएफिशिएंट ऑफ x raised to m निकालने के लिए शॉर्टकट भी दिया हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, फिर उसको लर्न करिए तो एक नया फार्मूला और बढ़ जाता है, ठीक. तो आप अगर जनरल टर्म से निकालना चाहे तो इसे भी निकाल सकते हैं. अब इसकी जनरल टर्म क्या होगी, r plus 1 इज नथिंग बट n cr x raised to n minus r a raised to r. So this is general term of what, x plus a bracket raised to n, ये general term, ठीक. So in this case it will become what, n is nothing but, देखिए n कितना है 13, यहां पर x कितना है ax square, ठीक है, a कितना है 1 upon b, इसलिए मैं पर a प्लस बी भी ले सकते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट रेस्ट टू n, या फिर x प्लस a ब्रैकेट रेस्ट टू n, किसी भी तरीके से आप लिख लो. दिस इज द जनरल टर्म, ncr x रेस्ट टू n माइनस r a रेस्ट टू r. अब ncr मतलब कि 13 cr x, मतलब ax स्क्वायर रेस्ट टू n माइनस r, मतलब 13 माइनस r, a मींस 1 अपॉन bx रेस्ट टू r. दिस इज इक्वल टू 13 सी आर, यहां पर हो जाएगा ए रेस टू 13 माइनस आर, ठीक है, इंटू
x square raised to 30 minus r. So it is x raised to 2 into 30 minus r. That is 26 minus 2r. And into 1 upon bx raised to r. So it is b raised to minus r, x raised to minus r. Which is equal to 13 cr, a raised to 30 minus r, b raised to minus r, or x raised to 26 minus 2r, or minus r. So it is how much? 26 minus 3r. Now, our coefficient is that x raised to 5 ka. So, for x raised to 5, this 26 minus 3r should be equal to 5. Okay? So, this implies what? 3r is equal to 26 minus 5, that is 21, and therefore r is equal to 7. See? So, coefficient of x raised to 5 kya ho gaya phir? 13 c 7 into a raised to 13 minus 7 into b raised to minus r. B matlab b raised to minus r means minus 7. See? So this is nothing but 13 c 7 a raised to 6 b raised to minus 7. This is coefficient of x raised to 5. एक चीज ये हो गई, दूसरी चीज क्या है? अब हमें सेकंड स्टेप में, तो फर्स्ट स्टेप हुआ मान लीजिए, सेकंड स्टेप में हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x रेस टू माइनस 5 इन द एक्सपेंशन ऑफ ए एक्स माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 13. ठीक, so, ये कितना हो जाएगा? अभी अगर यूजिंग सेम फार्मूला पी आर प्लस वन, मतलब की जनरल टर्म एन सी आर, सो इट इज 13 सी आर. नाउ इन दिस केस एन इज इक्वल टू 13, एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड ए इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन बी एक्स स्क्वायर. सो 13 सी आर इंटू x raised to n minus r, it means this ax raised to n minus r, 13 minus r, into a raised to r, a is nothing but minus 1 upon bx square raised to r. So this comes out to be 13 cr a raised to 13 minus r, x raised to 13 minus r, into माइनस 1 अपॉन बी है, देखिए माइनस 1 अपॉन बी रेस टू कितना आर, तो माइनस 1 अपॉन बी रेस टू आर. ठीक, एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस टू आर, सो इट इज नथिंग बट एक्स रेस टू माइनस 2 आर. एक्स रेस टू माइनस 2 हो गया न्यूमरेटर में, गया तो माइनस 2 इंटू आर, एक्स रेस टू माइनस 2. सो दिस कम्स आउट टू बी 13 सी आर ए रेस टू 13 माइनस आर, फिर है माइनस 1 अपॉन बी रेस टू आर, फिर उसके बाद एक्स रेस टू 13 माइनस आर और माइनस 2 आर, सो 13 माइनस 3 आर. नाउ फॉर एक्स रेस टू माइनस 5 क्या होना चाहिए? दिस 13 माइनस 3 आर शुड बी इक्वल टू माइनस 5. तभी एक्स रेस टू माइनस 5 हो जाएगा, हमें कोएफिशिएंट मिलेगा कौन सा है? इधर कोएफिशिएंट है. सो इट मींस व्हाट? 3r इज इक्वल टू 5, इधर आ जाएगा तो 13 प्लस 5 दैट इज 18, r इज इक्वल टू 6, r की वैल्यू 6 हो गई. तो अब कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x raised to minus 5 is how much? 13 c r, मतलब कि 13 c 6 into a raised to 13 minus r, so it is a raised to 13 minus 6 into minus 1 upon b raised to r,
मायनस वन अपॉन बी रेस टू आर मीन सिक्स. दिस कम्स आउट टू बी 13C6 इंटू ए रेस टू 7 इंटू वन अपॉन बी रेस टू 6. देखिए जरा पर माइनस वन की पावर मैंने इधर ही प्लस वन नहीं कर दिया था, इधर प्लस वन मैंने नहीं किया था. क्यों? क्योंकि हमें वैल्यू ऑफ आर मालूम नहीं है. तो जब हमें वैल्यू ऑफ आर मालूम हो गई तो माइनस वन रेस टू 6 इज प्लस वन. ठीक, यहां पर नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आर ऑड आता था तो ये टर्म माइनस हो जाती. चलिए नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन क्या है कि ये जो कोएफिशिएंट मिला एक्स रेस टू 5 का और ये जो एक्स रेस टू माइनस 5 का है वो था इक्वल. ठीक, तो हम इक्वल कर देते हैं. ये है 13C7 a रेस टू 6 b रेस टू माइनस 6. 13C7 a रेस टू 6 b रेस टू माइनस 7. इस वाले टर्म को हमने रिप्लेस कर दिया. ये कैसे किया? According to condition and from first. According to condition, both of these coefficients are equal. तो हमने first में पहला coefficient निकाल कर रखा, equal कर दिया. Now what? 13C7 is nothing but 13C6. 13C7 मतलब 13C6 होता है. कैसे? NCR equal to NCN minus R. तो 13C7 मतलब 13C13 माइनस 7 विच इज नथिंग बट 6. ठीक, तो ये दोनों एक तरफ से कट हो जाएंगे तो बचेगा आपके पास ए रेस टू 6 बी रेस टू माइनस 7 ए रेस टू 7 बी रेस टू माइनस 6. क्लियर है? हमें चाहिए ए अपॉन बी. ठीक, अब बी रेस टू ए रेस टू 7 उधर रखते हैं, बी रेस टू माइनस 7 यहां पर है, बी रेस टू माइनस 6 इधर आया तो हो गया बी रेस टू प्लस 6. ये है ए रेस टू 7, ए रेस टू 6 उधर गया तो हो गया ए रेस टू माइनस 6. सो दिस इज नथिंग बट बी रेस टू माइनस 1, दिस इज ए रेस टू. सो ए बी इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू 1. ओके, so in this question this is not a binomial but it can be converted into binomial. अगर हम इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं, so this can be written as one in bracket one minus x, और यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया. अच्छा, x square होगा, so this is x square. ठीक, यहां पर हमने कॉमन ले लिया, मान लीजिए माइनस एक्स स्क्वायर. ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स ब्रैकेट रेस टू 6. नाउ दिस इज नथिंग बट अब वन माइनस एक्स कॉमन हो गया, एक ब्रैकेट में वन माइनस एक्स होगा, दूसरे ब्रैकेट में वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा ब्रैकेट रेस टू 6. ठीक, सो इन दिस वी विल फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 7. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या फिर आगे भी किसी क्वेश्चन के लिए ध्यान में रखिए कि फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को वापस आपको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा उससे. और फिर जैसे लेंदी होता है तो कैलकुलेशंस में मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ते हैं. हालांकि आंसर उसका भी सेम ही आना चाहिए उस मेथड से. ठीक, तो इसका आंसर हो गया 144, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 7. नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं. लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन.
मग क्वेश्चन नंबर 73 तो फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू फाइव इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 21 22 डॉट 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 ऐसे है 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 30 तक। ठीक है, नाउ दीज आर नॉट इन टर्म्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन, दिस इज इन टर्म्स ऑफ एडिशन। ठीक, ये एडिशन के टर्म्स में है, तो इसमें कुछ एक्स रेस टू फाइव का कोएफिशिएंट होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, बट देयर विल बी टोटल हाउ मेनी कोएफिशिएंट। अगर आप अलग अलग निकालते हैं, इसका कोएफिशिएंट एक्स रेस टू फाइव का, इसका एक्स रेस टू फाइव का कोएफिशिएंट, इसका एक्स रेस टू फाइव का कोएफिशिएंट, तो ऐसे कितने टाइम्स निकालना पड़ेगा आपको? 10 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 10 टाइम्स आपको इसका कोएफिशिएंट एक्स रेस टू फाइव का निकालना पड़ेगा। तो उससे बेटर क्या है, इसे हम कुछ अलग तरीके से करें, क्योंकि एडिशन में 10 बार आपको करना पड़ेगा, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, फिर सबकी एडिशन, तो हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू फाइव। क्लियर? अब अगर हम इसे अलग तरीके से करते हैं, सो एज यू कैन ऑब्जर्व, दिस इज 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 21 फिर 22 23, सो बेसिकली दिस इज अ जीपी, दिस फॉर्म्स अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म ए एज 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 21, दिस इज ए। कॉमन रेशो आर क्या हुआ? कॉमन रेशो आर इज नथिंग बट सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, सो 1 प्लस एक्स रेस टू 22 डिवाइडेड बाय रेस टू 21, मतलब फिर एक बार लिख लेता हूं मैं, रेस टू 22 डिवाइडेड बाय 21, सो इट इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स। तो ये कॉमन रेशो हर एक टर्म में सेम है, और इसीलिए दिस इज अ जीपी। ठीक, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एन कितना है, सो सी दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड दिस इज 10th टर्म, सो एन इज इक्वल टू व्हाट? 10। सो देयरफॉर ये एसएन हो जाएगा, और एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, इन ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इज द फॉर्मूला फॉर एस एन। सो इट इज ए हियर, ए इज 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 21 ब्रैकेट में आर रेस टू एन, आर मतलब 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू एन, एन मतलब 10 माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, सो इट इज 1 प्लस एक्स माइनस वन, तो दिस कम्स आउट टू बी यहां पर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 21 हुआ, ब्रैकेट में जो है 1 प्लस एक्स रेस टू 10 माइनस वन और अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस वन, सो इट इज एक्स। ठीक, अब ये वाला जो एक्स है डिनोमिनेटर में, यू कैन टेक इट आउटसाइड, 1 अपॉन एक्स होगा, और ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स रेस टू 21 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों के साथ होगा, पहले के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो इट इज 1 प्लस एक्स रेस टू हाउ मच 21 प्लस 10 दैट इज 31 माइनस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस एक्स रेस टू 21। अब इस टर्म में, इसमें हमें निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 7, एक्स रेस टू 7 क्या, एक्स रेस टू 5, सो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू 5 इन दिस टर्म दैट इज 1 अपॉन एक्स इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स रेस टू 31 माइनस 1 प्लस एक्स रेस टू 21।
अब इसमें अगर एक्सेस टू फाइव का कोएफिशिएंट आपको ढूंढना है तो ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट है इट शुड जनरेट व्हाट, यहां पर एक्सेस टू सिक्स होना चाहिए। इस ब्रैकेट में कौन सी टर्म लेना है हमें, एक्सरेस टू सिक्स की। क्यों? क्योंकि जब ब्रैकेट में एक्सरेस टू सिक्स होगा तो डिवाइड बाय एक्स होने के बाद हमारे पास कौन बचेगा, एक्सरेस टू फाइव बचेगा। ठीक है, ब्रैकेट में अगर हम एक्सरेस टू सिक्स का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे डिवाइड बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, तब एक्सरेस टू फाइव बचेगा। सो इट मीन्स दिस कोएफिशिएंट इज इक्वल टू व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू फाइव जो कि हमें पूछा गया है, इट इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू सिक्स इन द ब्रैकेट, मतलब इन दिस, दैट इज 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 31 माइनस 1 प्लस एक्स ब्रैकेट रेस टू 21। और ये आपको कैसे मिलेगा, एक्स रेस टू सिक्स का कोएफिशिएंट, दिस इज इक्वल टू एक्स रेस टू सिक्स का कोएफिशिएंट चाहिए, ठीक है, सो इट इज नथिंग बट 31c6 माइनस 21c6। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स रेस टू सिक्स इन दिस एक्सपांशन, दैट इज 1 प्लस एक्स रेस टू एन में अगर आपको एक्स रेस टू एन का कोएफिशिएंट चाहिए तो इट इज NCM. So last question for today. The value of x for which sixth term in the expansion of 2 raised to log to the base 2 under root 9 raised to x minus 1 plus 7 plus 1 upon 2 raised to 1 by 5 log to the base 2 3 raise to x minus 1 plus 1। क्वेश्चन एक बार चेक करिएगा, कुछ करेक्शन होगा बताइएगा। ब्रैकेट रेस टू 7, सो दिस होल ब्रैकेट रेस टू 7। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी विल एक्सपेक्ट इन द चैप्टर फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस में इस टाइप के फंक्शंस आपको दिखेंगे थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शंस, फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। सो बेसिकली दिस इज अ लॉगरिथमिक फंक्शन, यहाँ पर लॉग के भी कुछ रूल यूज होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ठीक, जो भी गिवन फंक्शन है इसे हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, अब देखिए लॉग का एक रूल हमने देखा है, ए रेस टू लॉग एम टू द बेस ए इज इक्वल टू यम। मतलब क्या हुआ, अगर ए की पावर में लॉग होगा जिसका की बेस ए होगा, सो ए रेस टू लॉग है, ए रेस टू लॉग, और इस लॉग का बेस क्या होना चाहिए, अगेन द सेम नंबर, दैट इज ए। तो दोनों बेस अगर सेम होते थे तो इस पर्टिकुलर फंक्शन का आंसर होता है यम, या फिर वैल्यू होती है यम। सो यूज दिस रूल और हियर, फर्स्ट टर्म देखिए 2 रेस टू लॉग 2 है, इसका मतलब जो बेस यहाँ पर 2 है बेस इधर भी 2 है, सो यू विल गेट आंसर एज अंडर रूट 9 रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस 7 फर्स्ट टर्म के लिए, प्लस 1 अपॉन, अब इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूं यूजिंग अनदर रूल ऑफ लॉगरिथम। ये जो टर्म है मैं इसे इस तरीके से लिख सकता हूं 2 रेस टू, अब 1 बाय 5 लॉग है, 1 by 5 log. So, I learn this rule. N log M is equal to log of M raised to N. मतलब कि जो log के सामने N है, it goes into power of M. ठीक? तो यहां से जो 1 by 5 है, ये उठ के किधर चला जाएगा? इसकी power में चला जाएगा. So, this is written as 2 raised to log to the base 2 3 raised to x minus 1 plus 1 bracket raised to 1 upon 5. Clear? और फिर अगेन यू कैन ऑब्जर्व यहां पर बेस 2 है, लॉग का बेस भी 2 है,
तो हमारा आंसर डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, ये वाली टर्म होनी चाहिए जो कि है 3x-1+1 ब्रैकेट रेस टू 1/5 होल ब्रैकेट रेस टू 7। तो अब ये फंक्शन क्या हो गया, ये फंक्शन आपका हो गया सिंप्लीफाइड, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये लॉगरिथमिक था, नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अल्जेब्रिक, कहीं पर भी लॉग नहीं है, वी आर रिमूव द लॉग यूजिंग रूल्स ऑफ लॉगरिथम। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन, दिस इज वैल्यू ऑफ ए, दिस इज वैल्यू ऑफ बी एंड दिस इज वैल्यू ऑफ एन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू, वैल्यू ऑफ एक्स हमें ढूंढना है फॉर सिक्स का टर्म, सो गिवन गिवन इज व्हाट, टी सिक्स इज इक्वल टू 84। अब टी सिक्स दिया है, इसका मतलब आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, ठीक। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टी, आर प्लस वन एन सी आर, ए रेस टू एन माइनस आर, बी रेस टू आर। देखिए कभी हम लिखते हैं एक्स प्लस ए ब्रैकेट रेस टू एन के फॉर्म में, कभी हम लिखते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट रेस टू एन के फॉर्म में, बट फार्मूला वही होना है, अकॉर्डिंगली आपने चेंज करना है, फार्मूला सेम एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर बी रेस टू आर, या फिर एक्स रेस टू एन माइनस आर ए रेस टू आर, इस तरीके से अगर आपने एक्स और ए बोला है। अब टी सिक्स लेना है, टी सिक्स सो दिस कम्स आउट टू बी एन सी आर, एन कितना है 7, सी आर की वैल्यू 5 इंटू ए, ए मीन्स यहां पर है, इट इज अंडर रूट 9 रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस 7 ब्रैकेट रेस टू एन माइनस आर, मतलब 7 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय बी रेस टू आर, सो बी इज 1 अपॉन, ये बी की वैल्यू है 3 रेस टू एक्स माइनस 1 प्लस 1 होल ब्रैकेट रेस टू 1 अपॉन 5, दिस इज वैल्यू ऑफ बी एंड बी रेस टू आर चाहिए, आर की वैल्यू 5 है, यहां पर रेस टू हो जाएगा 5, दिस इज इक्वल टू नाउ 7c5 इज नथिंग बट 7c2 मल्टीप्लाइड बाय, यहां पर पावर कितनी हो जाएगी 7-5 मतलब 2, तो अंडर रूट का स्क्वेयर होना है, इसका मतलब अंडर रूट निकल जाएगा। इंटू 1 रेस टू 5 इट इज 1 डिनोमिनेटर में, ब्रैकेट रेस टू 1/5 अगेन रेस टू 5, सो ए रेस टू एम रेस टू एन से 5-5 कट हो जाएगा, ए रेस टू एम रेस टू एन इज ए रेस टू एम एन, सो 1/5 × 5 इट इज ओनली 1, तो डिनोमिनेटर में बचेगा 3 रेस टू x-1+1, ठीक है। अब चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं, सो इट मींस ये जो भी कोएफिशिएंट आया है, मतलब पी सिक्स है ना, ये आपका हो गया पी सिक्स क्या है 7c2, सो इट इज 7 × 6/1 × 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 रेस टू x-1+7, तो मल्टीप्लाइड बाय 9 रेस टू x-1+7 और ये डिनोमिनेटर में जाएगा, दैट इज 3 रेस टू x-1+1 इज गिवन एट 84। ठीक, नेक्स्ट अब इसे हम सिंप्लीफाई करना है, तो पहले कटिंग कर लेते 7 6 42 × 2 = 84, यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर ये 2 उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो यहाँ पर 9 रेस टू x-1 बचा है, इसे मैं लिखता हूँ 3 रेस टू 2 (x-1), 9 तो हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर प्लस 7 अपॉन 3 रेस टू x-1+1 इज इक्वल टू हाउ मच, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो हो जाएगा 4। लेफ्ट हैंड साइड के न्यूमरेटर में देखिए 3 रेस टू 2x और 3 रेस टू -1, सो इट इज 3 रेस टू 2x/3, डायरेक्ट लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह भी कम है,
3^2x और 3^-2, 3^-2, 3^-2 मतलब डिनोमिनेटर में 3^2 तो 9 होगा, प्लस 7 इज इक्वल टू इधर 4 विल बी गेट मल्टीप्लाइड विद बोथ ऑफ दिस टर्म्स, सो 4 इन ब्रैकेट 3^(x-1), सो इट इज रिटन एज 3^(x)/3^1 एंड प्लस 1, ठीक। नाउ दिस इज 3^(x) ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9^(7)/63 अपॉन 9 इज इक्वल टू इधर एलसीएम ब्रैकेट में 3 होगा, इधर होगा 3^(x)/3। अब ये वाला 3 कट हो जाएगा 9 के साथ, तो इधर 3 आ जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड पर होगा 3^(x) ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 63 इक्वल टू 3×4 दैट इज 12 ब्रैकेट में 3^(x) प्लस 4 3^(x)/3।3^(x)/3 को रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन पहले एक बार हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3^(x)/2 प्लस 63 इक्वल टू 12×3^2 प्लस 12×3=36। सो इक्वेशन क्या हो गया फिर 3^2 ब्रैकेट स्क्वायर इधर आया तो हो गया माइनस 12×3^2 ये भी इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस 63 - 36। ठीक है, अब इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। अब ये क्वाड्रेटिक हुआ, यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर आपको आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व करना है बस। सो इज देयर एनी डाउट, कुछ डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर यहाँ पर हम लेक्चर रोकेंगे। हाँ, होमवर्क बताना है आपको, क्लियर हुआ डाउट? ओके, तो होमवर्क, देयर आर टोटल 260 क्वेश्चंस, है ना, 259 है, मैं 260 लेता हूँ राउंड फिगर। तो फर्स्ट डे हमने 40 कर लिए थे, सेकंड डे 40 कर लिए, अब आप 50 कर लीजिए आज। क्वेश्चंस तो हो चुके हैं ना, ठीक है, तो आज के लिए नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस आप ट्राई करिए। सो दिस इज योर होमवर्क, नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस।